दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हो कि एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें आपको रेंज, सबसे ज्यादा रेंज देखने को मिले, नए फीचर्स हो, अच्छे खासे प्राइस में अवेलेबल हो और सबसे हटके कुछ नए लुक के साथ देखने को मिलने वाली ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर देखना। बात करने वाले रिवॉल्ट NX100 के बारे में, जिसमें को 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक रेंज देखने को मिल सकती है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर गाइस लॉन्च होने के लिए रेडी भी हो चुकी है, काफी सारे अपडेट भी इन्होंने जो है रेगुलरली डालना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो पांच रीजन के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे अच्छा आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, आप सभी को पता होगा, मेनली जो कंपोनेंट होता है जिसके मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा होता है, आगे जाकर बैटरी। और बैटरी जो गाइस दो टाइप्स की बैटरी होती है, NMC बैटरी एंड LFP बैटरी। बोला जाता है कि लिथियम आयन की बैटरी है, बट केमिस्ट्री जो होती है वो NMC से बेटर आपको LFP देखने को मिल जाती है, जिसकी लाइफ साइकिल जो है 1800 से लेकर जो है 2000 बार जो इसको चार्ज कर सकते हो, एंड NMC जो है उसके आधे के बराबर ही होती है। तो आप बोल सकते हो गाइस कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बैटरी मिलने वाली है वो एब्सोल्युटली आपको जो है 7 साल तक तो आराम से चल सकती है, अगर आपकी रनिंग वगैरह कम है तो ये 10 साल भी चल सकती है। तो यही कंपोनेंट जो गाइस हाईली रिकमेंडेड है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो उसमें NMC है, LFE है, वो एक बार जरूर से जरूर देखना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, रीजन के बारे में, वो है गाइस रेंज। रेंज मतलब सबसे ज्यादा रेंज इंडियन मार्केट में अभी जो है 280 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में नहीं है। अगर हम सिंपल वन की बात करें तो सिंपल वन में 225 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, बट वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में ही अवेलेबल है। अदर स्टेट के लिए कब तक आएगी ये तो कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता, बट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज सिंपल वन से भी बेटर देखने को मिल जाती है। बट इनकी तरफ से दो मॉडल भी देखने को मिलने वाले है, 150 किलोमीटर एंड 280 किलोमीटर। तो जिसके भी रिक्वायरमेंट रेंज कम ज्यादा हो तो उसके हिसाब से आप जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, रीजन के बारे में, वो होएगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बैटरी मिलने वाली है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूवेबल बैटरी है। मतलब ये अभी जो है फ्यूचर में सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये ऑप्शन मिल रहा है कि यार आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी ले सकते हो, ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो इजीली, कहां पर भी आप इसको जो चार्ज कर सकते हो। बट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो बैटरी होने वाली है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है, तो आप बोल सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो भी कुछ फीचर्स हो गए, बैटरी हो गए और भी कई सारे कंपोनेंट जो है नए जनरेशन के आपको देखने को मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है गाइस वो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स। फीचर्स मतलब को सबसे पहले तो फर्स्ट आपको डैश कैमरा देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको ये फीचर्स, आपको फ्रंट एंड रियर में डैश कैमरा देखने को मिलने वाला है। राइडर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब आप जो किसी को भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देते हो तो कुछ आप जो पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो, रेंज सेट कर सकते हो, स्पीड सेट कर सकते हो, एंड और भी कई सारे फीचर्स जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाले है, जो आप बोल सकते हो कि एक नए जनरेशन के इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब सबसे हटके कुछ आपको जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। और लास्ट फाइनल पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है गाइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक। लुक मतलब गाइस काफी लुक इन्होंने जो है चेंज करके फाइनल लुक बनाया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो अभी तक पूरी तरह से कम्प्लीटली शोकेस नहीं किया है, बट अनवील करने के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर गाइस रेडी हो चुकी है। आप बोल सकते हो कि लेंथ वाइज वगैरह भी काफी अच्छी मिलने वाली, जैसे कि रिवर इंडी जो है वो लेंथ वाइज वगैरह काफी बड़ी है, वैसे कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलने वाली है। बट हाँ, ये बात कंफर्म है गाइस, लुक हो गया या कोई भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आता है वो सबसे हटके आपको जो है इंडियन मार्केट में जो नहीं है वो आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। तो काफी सारे कस्टमर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए गाइस वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग क्या रह सकती है, एंड क्या आपको जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अच्छी बातें लगी या बुरी बातें लगी, कमेंट में जाकर जरूर से जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए काफी मोटिवेट करता है, काफी मोटिवेशन अंदर से निकलती है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना भी ना भूले।